बात। कुर्सी ले लो, बैठ जाओ, आ जाओ विकास, बैठ जाओ ना विकास। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लोग राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जमीन के नाम पर जो घोटाला हुआ, जो भ्रष्टाचार हुआ, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो 16.5 करोड़ रुपए की लूट की गई, उन पर कार्रवाई करने के बजाय पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में खड़ी हो गई, चंदा चोरों के पक्ष में खड़ी हो गई, भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ी हो गई। और आज मैं इस देश के करोड़ों राम भक्तों से कहना चाहता हूं, वो करोड़ों लोग जो जिन लोगों ने बड़ी बड़ी आस्था और विश्वास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, उनसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं, आपकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में है, आपकी आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में है, आपकी आस्था किसी चंपत राय में नहीं है, आपकी आस्था किसी प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी में नहीं है, आपकी आस्था किसी भाजपा के मेयर में नहीं है और अनिल कुमार मिश्रा में नहीं है और रवि मोहन तिवारी में नहीं है, आपकी आस्था है प्रभु श्री राम में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, जिन्होंने त्याग और तपस्या का वो उदाहरण प्रस्तुत किया, अपना जीवन 14 वर्ष जंगलों में बिताया। और पूरी की पूरी भाजपा क्यों ये दलील दे रही थी, मैं हैरान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कल जिस प्रकार के कागज मेरे हाथ लगे, आपको जान के हैरानी होगी कि भाजपाइयों की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम राम में नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलर में है, चंदा चोरों में है। और आज मेरे इस कागजात के दिखाने के बाद सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए जमीन का दाम बढ़ाया गया, प्रति मिनट 3.3 करोड़ रुपए जमीन का दाम महंगा किया गया। ये बात आज पहले दिन जो मैंने बोला था, वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, और आज जब मैं ये खुलासा करने जा रहा हूं, उससे भी साफ साबित हो जाएगी। और आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और चंपत राय जी लगातार तर्क दे रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि कुसुम पाठक और हरीश पाठक, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी में तो 2011 में एग्रीमेंट हुआ था, फिर कहने लगे 2019 में एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ था, फिर कहने लगे इस एग्रीमेंट में पहले जमीन 2 करोड़ रुपए की थी लेकिन अब महंगी हो गई, वो सारा झूठ आज खोलूंगा, एक एक करके खोलूंगा। पहले कहा जब मैंने कागज दिखाया कि 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे इतनी बड़ी खरीद हो सकती है, संजय सिंह का आरोप बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं, सारी भाजपा की फौज कहने लगी मेरे ऊपर हमले कराओगे, मेरे ऊपर हमले के लिए लोगों को प्रेरित करोगे, मेरे घर में जहां मेरा परिवार रहता है वहां हमले कराओगे। भाजपा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं 1000 हमले कराओ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इस देश के करोड़ों राम भक्तों से, जिनकी प्रभु श्री राम में आस्था है, उनसे अपील करना चाहता हूं,
इन चंदा चोरों को पहचानिए और इनके खिलाफ आवाज उठाइए, इनके कहने पर गुमराह मत होइए। जिस एग्रीमेंट का जिक्र ये लोग बार बार करते हैं, दरअसल वो एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को कैंसिल हो चुका है। ये उसका निरस्त पत्र है मेरे हाथ में। 18 मार्च 2021 को ये एग्रीमेंट पहले कैंसिल किया जाता है, फिर 2 करोड़ रुपए में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम पर शाम को 7:10 पे लिखा जाता है और शाम को 7:15 पर इन्हीं लोगों से 18.5 करोड़ रुपए में जमीन खरीद ली जाती है। यह है वो निरस्त पत्र, एग्रीमेंट का निरस्त पत्र जो मेरे हाथ में है इस वक्त, और मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। ये 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए में जमीन का एग्रीमेंट हुआ था और इसके लिए 50 लाख रुपए एडवांस दिया गया था। 50 लाख रुपए एडवांस देने वाले और 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट करने वाले लोग कौन थे? पहला पक्ष कौन है? हरीश पाठक और कुसुम पाठक। और डाटा संख्या क्या है? वही 243, वही 244, वही 246। पहले पक्ष का नाम पढ़िए। पहला पक्ष है हरीश पाठक, पहला पक्ष है कुसुम पाठक, हरीश पाठक। ये 2 नाम मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं दूसरा पक्ष, जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ, जिन 9 लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ उनका नाम मैं एक एक करके पढ़ के बताता हूं। वो दूसरा पक्ष कौन है? इच्छाराम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, मनीष कुमार, पुत्र राम तीरथ, सूबेदार दुबे, पुत्र राम सूरत दुबे, चार हो गए। पांचवा बलराम यादव, पुत्र तुलसीराम यादव, छठवा राजेंद्र प्रसाद यादव, पुत्र छेदीलाल, और सातवां, आठवां और नौवां रविंद्र कुमार दुबे, सातवां सुल्तान अंसारी, आठवां रवि कुमार दुबे, सातवां सुल्तान अंसारी, आठवां और नौवा नाम भी पढ़ दूं, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि संजय सिंह ने रवि मोहन तिवारी का नाम छिपा लिया। आठ नाम, इसमें कुल 9 नाम है, 9वां नाम भी पढ़ निकालिए। और इन 9 नामों में रवि मोहन तिवारी का नाम नहीं है। 7, 8 और 9, नहीं 7, 6, 7, 8, एक नाम और होगा, 9वां ये है, राशिद हुसैन। क्या नाम है? 9वां नाम है राशिद हुसैन, पुत्र सादिक हुसैन। 9वां नाम है राशिद हुसैन, पुत्र सादिक हुसैन। सारे के सारे 9 नाम आपके सामने मैंने पढ़ दिया, मैं समझता हूं ऊंची आवाज में पढ़ा, सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा। इसमें कहीं आप लोगों को रवि मोहन तिवारी का नाम सुनाई पड़ा क्या? इस एग्रीमेंट में कहीं रवि मोहन तिवारी है क्या? क्या कुसुम पाठक और हरीश पाठक का कोई रवि मोहन तिवारी के साथ एग्रीमेंट हुआ था क्या? नहीं, सिर्फ एक आदमी के साथ हुआ था, सुल्तान अंसारी। रवि मोहन तिवारी को तो बाद में शामिल किया गया,
और आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए चंपत राय से, मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए भाजपाइयों से कि रवि मोहन तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के मेयर ऋषि केश उपाध्याय के बीच में क्या रिश्ता है। एक सीरियल चलता था ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी रवि मोहन तिवारी का नाम बाद में शामिल किया गया, पैसे के भ्रष्टाचार के लिए शामिल किया गया, और 18 मार्च को जो रजिस्ट्री कैंसिल हुई, 18 मार्च को ही वही रजिस्ट्री सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के नाम शाम को 7:10 पर 5,80,00,000 की मालियत 2 करोड़ में खरीदी गई, और 7:15 पर यही जमीन 18.5 करोड़ रुपए में राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी को बेच दी गई। अब क्या बोलेंगे भाजपाई? 3 दिन से संबित पात्रा एक फर्जी कागज लेके सभी चैनलों पे दिखा रहा था, सभी चैनल पे दिखा रहे थे, देश की जनता को गुमराह कर रहे थे, राम के भक्तों को गुमराह कर रहे थे, राम मंदिर के निर्माण में अगर कोई सबसे बड़ी बाधा पहुंचा रहा है तो ये करोड़ों रुपए का चंदा चोरी करने वाले लोग पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और हम सारे लोग चाहते हैं राम का मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। अगर आज राम मंदिर के निर्माण में रोक है तो उसकी एकमात्र वजह है चंदा चोरी, भ्रष्टाचार, राम के नाम के पैसे की लूट। भारतीय जनता पार्टी को, ट्रस्ट के सारे लोगों को, पूरे दुनिया में रहने वाले हिंदुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए, और ये 16.5 करोड़ रुपए वापस होना चाहिए, और उन बेईमानों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए, और मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। यह आम आदमी पार्टी की मांग है। चंदा चोरी करोगे तो राम, प्रभु श्री राम का मंदिर कैसे बनेगा? रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के अकाउंट की जांच की जाए। 18 मार्च 2021 को जो 17 करोड़ उनके खातों में गया, वो पैसा क्या हुआ, फिर कहां कहां ट्रांसफर हुआ, इसकी जांच कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दुर्दिन आ गए, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि भाजपा का एक प्रवक्ता संबित पात्रा प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर रवि मोहन तिवारी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, चंदा चोरी करने वाले चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। अरे मोदी जी के पक्ष में बोलते बात समझ में आती, योगी जी के पक्ष में बोलते तब भी बात समझ में आती, तुम्हारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इतने दुर्दिन आ गए तुम्हारे भाजपाइयों प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में खड़े हो रहे और तर्क क्या दे रहे हैं? कह रहे साहब चंपत राय जी अविवाहित हैं। तो भैया पत्रकार बंधु, जितने लोग यहां बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी पत्नियां आपको भ्रष्टाचार करना सिखाती हैं? क्या इस देश में ईमानदार रहने के लिए अविवाहित रहना पड़ेगा? यह भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी है? यह इस देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है? भाजपा की थ्योरी है जो अविवाहित है वो ईमानदार है? क्या कहा था चंपत राय जी ने पहले दिन आप लोगों से? वो वीडियो में आपको दिखा के अपनी बात खत्म करूंगा, फिर आपके जितने सवाल होंगे। और मैं इसीलिए एक ही बात कह रहा था बार बार, एक ही बात कह रहा था बार बार कि भाई रजिस्ट्री में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र, रजिस्ट्री में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र, इस बैनामे में कहां है पूर्व एग्रीमेंट का जिक्र। मैं बार बार
चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, क्योंकि पूर्व का एग्रीमेंट तो कैंसिल हो चुका था, वो तो निरस्त हो चुका था, 18 मार्च 2021 को ही निरस्त किया गया था। तो जब एग्रीमेंट निरस्त हो गया, इसका मतलब जमीन मुक्त हो गई, इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट से मुक्त हो गए, इसका मतलब हरीश पाठक और कुसुम पाठक अगर वो जमीन बेचते तो सीधे राम मंदिर को, राम मंदिर के लिए ट्रस्ट को 2 करोड़ रुपए में सीधा बेचते, 2 करोड़ रुपए में सीधा बेचते। वो सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को क्यों बेचते? 16.5 करोड़ रुपए की चोरी और भ्रष्टाचार के लिए यह खेल हुआ। प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए और प्रति मिनट 3.3 करोड़ की चोरी के लिए सब कुछ हुआ। यह तो एग्रीमेंट ही कैंसिल हो गया, यही तो मैं सवाल पूछ रहा था। लेकिन भाजपा झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे, मैं हैरान था। वो बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, चिल्ला चिल्ला के झूठ बोलते हैं। तो ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था, इसीलिए इस बयानामे में इसका कोई जिक्र नहीं था, वरना ये लिखा होता कि 50 लाख की पेशगी ली गई। अब यहां तो 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है, 1.5 करोड़ ट्रांसफर होता बयानामे में। तो ये बात थी। तो अब मैं दिखाता हूं चंपत राय जी ने पहले दिन कितने भोले बालक की तरह सामने आके, पहली बात तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर 100 साल से आरोप लग रहा है, यानी पैदा होने से पहले लोग उनको जानते थे कि ये आरोपी हैं, उनके जन्म से पूर्व उनको जानते थे कि वो आरोपी हैं। कह रहे थे 100 साल से, मतलब जब वो पैदा भी नहीं हुए थे तब से आरोप लग रहा है उनके ऊपर। देखिए इनकी असलियत देखिए, कह रहे थे मैं स्टडी करूंगा। ये क्या कह रहे हैं, एक मिनट रुक देना, ये कह रहे हैं पहला झूठ इनका दिखाइए। इनसे जब आप लोगों ने पूछा तो ये कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे, यानी ये बेचारे भोले बालक हैं, इनको कुछ नहीं पता था। जैसे ही आप लोगों ने कैमरा लगाया, चंपत राय जी जो बहुत जो तपस्वी हैं, त्यागी हैं, अविवाहित हैं, और भाजपा की थ्योरी है कि ईमानदार रहने के लिए आप लोगों को अविवाहित रहना पड़ेगा, तो वो कह रहे हैं कि हम स्टडी करेंगे इस पेपर की। आगे बढ़िए। झूठ नंबर 2 देखिए। यू कैनॉट हैव दैट अग्रीमेंट स्टैम्प्ड ऑन अ पेपर विद अ 10 रुपीज स्टैम्प। दिस अग्रीमेंट कॉपी विद संजय सिंह हैज बीन शोइंग टू द मीडिया हैव अ 10 रुपीज स्टैम्प ऑन इट। यू कैनॉट हैव अ लैंड अग्रीमेंट और 18.5 नोट ऑन अ 10 रुपीज स्टैम्प पेपर। सो क्लियरली दिस इज फोर्ज। तो ये हमारी भाजपा की प्रवक्ता बहन जी कह रही थी कि 10 रुपए के स्टाम्प पे कैसे संजय सिंह कागज दिखा रहे हैं एग्रीमेंट का, जबकि वो 1.29 करोड़ के स्टैंप पे एग्रीमेंट हुआ था। आजकल ई स्टैंप निकलता है, डिजिटल इंडिया है, लेकिन बहन जी को पता नहीं था, और भाजपा में काम करती हैं तो झूठ बोलने के लिए कहा गया होगा, तो इसलिए बहन जी ने झूठ बोला। ये दूसरा झूठ 17/9/2019। अब सुनिए एक मिनट रुको। जो चंपत राय कहते हैं हम स्टडी करेंगे, हमें कुछ नहीं पता, उनके बारे में सुल्तान अंसारी प्रॉपर्टी डीलर क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से। 17/9/2019 इसको जो है हम लोगों ने 9 लोगों ने इसका एग्रीमेंट कराया में। तो क्या रेट आया 2 करोड़ 19 में? 1 करोड़ से 2 करोड़ कैसे? क्योंकि समय इतना अंतराल जो है बढ़ा, उसके हिसाब से जिससे हमारे एग्रीमेंट हुआ उससे ये डील हुई कि भाई हम 2 करोड़ में देंगे, 1 करोड़ में नहीं देंगे, सभी ले बढ़ गया 2 करोड़ ना, हमारी उनकी डील हो गई। 2019 को चलिए 2 करोड़ है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रस्ट आपके कब संपर्क में आया? उसके बाद जब ट्रस्ट हमसे आज से 3-4 महीना पहले जब बात हमारी हुई, तो कई चक्कर में बात हुई हमारे उनसे कि हमको ये जमीन लेना है, तो हमारी उनकी जब बात हुई तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपये में
ये डील हो गई। उसमें किससे बात हुई थी? हमारे चंपत राजी थे और ट्रस्ट के दो तीन सदस्य और थे जिसको हम नहीं जानते हैं क्या है। तो क्या बातचीत हुई? बातचीत ये हुई कि हमको आपकी जमीन लेना है, तो हमारा उनका जो है 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। तो 18.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। तय किसने किया? चंपत राय जी ने, 3-4 महीने पहले। 3-4 महीने पहले जो भोले बालक हमारे खुलासे के बाद कह रहे थे कि मैं स्टडी करूंगा, मैं बहुत भोला हूं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो सुल्तान अंसारी का नाम नहीं सुना, उसकी शकल नहीं देखी। ये प्रॉपर्टी डीलर बता रहा है चंपत राय जी आए थे और 18.5 करोड़ रुपए में जमीन तय करके गए थे। अब मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं, मेरे ऊपर 1000 हमले करो भाजपाइयों, लेकिन चंदा चोरों को जेल भिजवा के मानूंगा। ये 16.5 करोड़ रुपए इस देश के गरीब राम भक्तों ने अपना पेट काट के मंदिर के निर्माण के लिए दिया है, ये 16.5 करोड़ रुपए वापस करो, देश के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगो और प्रभु श्री राम का मंदिर जल्द से जल्द वहां बनना चाहिए। ये चोरी और भ्रष्टाचार के वजह से राम मंदिर का काम रुका हुआ है, तो राम मंदिर की द्रोही भाजपा है, राम मंदिर के काम में रोक लगाने वाले ट्रस्ट के लोग हैं, राम मंदिर में चोरी करने वाली भाजपा और उनके साथ के लोग हैं। एक पेपर और है लेकिन ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसका कल खुलासा करूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो अभी अगला सीरियल है वो कल आपको दिखाऊंगा। ये जो आप 18 मार्च 2021 वाला एग्रीमेंट कह रहे हैं जिसे निरस्त कर दिया गया था, क्या यही जब जमीन खरीदते वक्त ये वही एग्रीमेंट था क्या? नहीं, तो जमीन खरीदते वक्त एग्रीमेंट बचा कहां? जब 18 मार्च 2021 को ये एग्रीमेंट निरस्त हो गया 9 लोगों के साथ जो हुआ था, और जो ये व्यक्ति बता भी रहा है कि 2019 में ये एग्रीमेंट हुआ था 9 लोगों के नाम पे, तो जब ये एग्रीमेंट कैंसिल हो गया तो फिर जमीन खाली हो गई, फिर हरीश पाठक और कुसुम पाठक स्वतंत्र हो गए, फिर वो जमीन वो 18.5 करोड़ में बेचेंगे कि 2 करोड़ में बेचेंगे? इसका मतलब अगर ट्रस्ट सीधे उनसे बात करता तो 2 करोड़ में लेता, 18.5 करोड़ में क्यों लेता? क्योंकि 2 करोड़ में एक फ्रेश जमीन 18.5 करोड़ की कोई महामूर्ख आदमी या तो बेचेगा या तो फिर पागल होगा, दो ही परिस्थिति हो सकती है। 18.5 करोड़ की जमीन 2 करोड़ में बेचने के लिए या तो आदमी का मूर्ख होना जरूरी है या पागल होना जरूरी है, और मैं समझता हूं हरीश पाठक और कुसुम पाठक तो ऐसे हैं नहीं। तो जब वो कैंसिल हो गई एग्रीमेंट तो वो तो स्वतंत्र थे ना, उस जमीन को 18.5 करोड़ में बेचते, उन्होंने 2 करोड़ में क्यों बेची? इसलिए मैं कह रहा हूं फिर से, सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के अकाउंट की जांच कीजिए। जो पैसा उनके 17 करोड़ रुपए उनके खाते में गया, और बताइए 18.5 करोड़ रुपए की आमदनी हो जा रही है और उस पर इनकम टैक्स वाले भी चुपचाप बैठे हुए थे, वो संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहे थे कि जब ये खोलेंगे तब हम इनसे पैसा वसूलेंगे। संजय जी, इस तरह के एग्रीमेंट कितनी बार कैंसिल हुए हैं इस विवाद में, इस भूमि विवाद में, और साथ में ये कहा जा रहा है कि जो उस जमीन की जो कीमत है सर्कल रेट के हिसाब से वो 5 करोड़ से अधिक है, वो ऐसे में 2 करोड़ से सस्ता या 2 करोड़ में कोई कैसे दे देता, इसका क्या अर्थ है? पहली बात तो अब पुरानी सारी बातें खत्म ही कर दीजिए आप, कब एग्रीमेंट हुआ, कब कैंसिल हुआ, कब हुआ, कब नहीं हुआ, कब सोए, कब जागे, कब क्या किया, वो पुरानी सारी दास्तां और बात खत्म करते हैं। बात करते हैं 18 मार्च की ना, जिस दिन वो जमीन बेची गई उस दिन सारे एग्रीमेंट खत्म कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए, और इसीलिए इस बैनामे के कागज में लिखा है जो मैं 3 दिन से चिल्ला रहा हूं, लेकिन मैं हैरान भी था कि क्यों इतने भाजपाई बार बार झूठ बोल रहे हैं, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इस जमीन पे लिखा हुआ है जब ये रजिस्ट्री हुई कि ये जमीन सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है, इसलिए कि एग्रीमेंट कैंसिल हो चुका था उसी दिन, इसलिए लिखा हुआ है। यही मैं दिखा रहा था, बार बार यही कह रहा था कि साहब रजिस्ट्री में लिखा होना जरूरी है, रजिस्ट्री में लिखा होना जरूरी है, तो इसमें तो कहीं लिखा नहीं था, इसलिए
कि एग्रीमेंट कैंसिल हो गया था। और सर्किल रेट का मतलब होता है जमीन का मूल्य जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार तय करती है, जमीन का मूल्य जो जिला अधिकारी तय करता है, और 18.5 करोड़ की जमीन का 5.80 करोड़ रुपए अगर कोई जिला अधिकारी जमीन का रेट निर्धारित करेगा तो आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? इसका मतलब वो जिला अधिकारी उठा के अंदर कर दिया जाएगा, जेल चला जाएगा, वो स्टाम्प चोरी का मामला उसके खिलाफ बनेगा। वो 18.5 करोड़ की जमीन 5.80 करोड़ घोषित ही नहीं कर सकता। 18.5 करोड़ की जमीन 5 करोड़ में अगर वो सर्किल रेट निर्धारित करेगा, इसका मतलब वो स्टाम्प की चोरी करवाना चाहता है। सर्किल रेट पहले डिसाइड हो गया था संजय जी, 18 मार्च 2019। आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं भाई, 18 मार्च 2021 की लिखा पढ़ी में लिखा हुआ है 5.80 करोड़। इसका मतलब 18 मार्च 2021 की मालियत, 18 मार्च 2021 की कीमत, 18 मार्च 2021 का सर्किल रेट 5.80 करोड़। और स्पष्ट शब्दों में समझा दूं, 1857 का नहीं, 18 मार्च 2021 की मालियत और कीमत उस जमीन की 5.80 करोड़ थी, जिसको आदित्यनाथ जी ने निर्धारित किया था और जिसको वहां के जिलाधिकारी ने निर्धारित किया था, उनकी सरकार ने निर्धारित किया था। तो बहुत महंगा खरीदते, पहली बात तो दान पुण्य की जमीन को, तो दान पुण्य के चंदे को तो आपको कम में खरीदना चाहिए। तो बहुत महंगा अगर आप खरीदते तो 5.80 करोड़ में खरीद लेते। और फिर मुझे कहना पड़ता है भाजपाई की झूठ एजेंसियों को, वो कह रहे थे मुआवजा दिया मुआवजा दिया। अरे भैया, मुआवजा सरकार देती है, ट्रस्ट नहीं देता है। ट्रस्ट थोड़ी मुआवजा देता है, सरकार देती है। और आप पता कर लीजिएगा, ग्रामीण जमीनों के अधिग्रहण में मुआवजा होता है 4 गुना, शहरी जमीनों के अधिग्रहण में मुआवजा होता है 2 गुना। और कितनी पढ़ाई कर करके मैं बताऊं, ग्रामीण जमीनों की के अधिग्रहण का मुआवजा सरकार अगर करती है तो 4 गुना दाम, और शहरी जमीन का अधिग्रहण करती है तो 2 गुना दाम। और इसीलिए जेवर का शहरीकरण किया गया, क्योंकि किसानों को 4 गुना मुआवजा ना देना पड़े। पहली बात, ट्रस्ट के ऊपर कौन सा मुआवजे का नियम लागू होता है, वो तो सरकार के ऊपर लागू होता है। और कोई प्रश्न? ये आपका अच्छा सवाल है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, इतने बड़े खुलासे के बाद कुछ तो शर्म दिखाएगी, कुछ तो कार्रवाई करेगी। लेकिन अब 3 दिन बीत गए, मुझे पता चल गया कि इन भाजपाइयों की आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर्स में है। अब मुझे जानकारी हो गई कि इन भाजपाइयों की आस्था भ्रष्टाचारियों में है, प्रभु श्री राम में नहीं है। अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन सारे मामलों को लेके मैं कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूं। इसमें मुकदमा FIR दर्ज कराने से लेके जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको मैं अब करूंगा। मैं तो 3 दिन तक प्रतीक्षा कर रहा था कि शायद देश के प्रधानमंत्री, शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या ट्रस्ट के जो जिम्मेदार लोग हैं वो कोई इसमें सच बोलेंगे। लेकिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये समझ में आ गया कि भाजपाइयों की आस्था प्रभु श्री राम में नहीं है, भाजपाइयों की आस्था प्रॉपर्टी डीलर्स में है।